हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं एसपी व्यूज। आज हम एक खास परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं और आपका सबका स्वागत है ये स्पेशल एपिसोड में। ये स्पेशल एपिसोड क्यों है, क्योंकि एक खास ब्रांड है जो पूरी दुनिया में फेमस है और अपने फैशन वेरिएबल्स के लिए फेमस है। जी हाँ, आप शायद पहचान रहे हो, उसका नाम है गुच्ची। और हम लोग बात करने वाले हैं गुच्ची गिल्टी फोर ओम के बारे में। एक सिंपल एलिगेंट परफ्यूम पर काफ़ी एडिक्टिव परफ्यूम। गुच्ची के बारे में हम लोग अगर जाने तो गुच्ची काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और गुच्ची का जो नाम रहा है दुनिया में, उसको बनाने के लिए एक शख्स का नाम मैं लेना चाहूँगा बड़े रिस्पेक्ट के साथ। उनका नाम है टॉम फोर्ड। ही वॉज अ एक्स डायरेक्टर ऑफ गुच्ची। तो उन्होंने अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया और आज वो फैशन डिज़ाइन के एक टाइकून। तो गुच्ची का जो अगर आप लीगेसी देखोगे तो उसी तरह से कंफर्ट भी बढ़ रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से, और गुच्ची में जो एलिगेंटनेस है वो कंफर्ट में भी है। तो आप देख सकते हो कि एक बंदे ने गुच्ची को इतना ऊपर लेके आए और उसके बाद खुद का ब्रांड भी उतने ही लेवल के ऊपर लेके आए और पूरे यूएस में फेमस है। अच्छा, ये बात हो गई कंफर्ट की, बट गुच्ची का जो फ्रेग्रेंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, गुच्ची गिल्ट फोर ओम के बारे में। उसका इजाद जब हुआ था 2011 में हुआ था और मिस्टर जैक्स जो परफ्यूमर है उन्होंने किया था इसका इजाद, और काफ़ी आला दर्जे का परफ्यूम है। मैंने जब इसको पहले स्निप किया था तो एक मीटिंग में एक बंदे ने इसको अप्लाई किया था और उसके बाद मेरा जो परफ्यूम कलेक्शन है उसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसके लिए मैं ये परफ्यूम ढूंढ रहा था। तो मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा मेरे जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे मिस्टर सूरज सुरेखा, उनकी कलेक्शन में ये परफ्यूम है और मेरे एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ये परफ्यूम मुझे रिव्यू करने के लिए दिया। तो सूरज सुरेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं अभी इस परफ्यूम के बॉटल्स के डिज़ाइन के बारे में। जितने भी मेरे पास कलेक्शन है उसमें सबसे आला दर्जे का और सबसे बेस्ट डिज़ाइन इसका है। मैं पहले इसको 10/10 दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी हल्की बॉटल है, जो एक मोबाइल रहता है अपने हाथ में, देखिए आप पॉकेट में भी इजीली बैठ जाती है बॉटल, इतनी हल्की बॉटल है। बट ये जो पार्ट है वो मर्क्यूरी के कलर के जैसा है और ऊपर का सेमी ब्लैक करंट सेमी ट्रांसपेरेंट बॉटल है और इसकी कैप काफ़ी फिट बैठती है। इसके ऊपर भी गुच्ची का ब्रांडिंग इन्होंने किया और थोड़ी प्लास्टिक की लगती है बट ये फिट होने के बाद इस बॉटल को इजीली पकड़ लेती है, मतलब नीचे गिरती नहीं बॉटल ये। तो 10/10 इसके डिज़ाइन के लिए। गुच्ची भी जितने भी प्रोडक्ट्स है, बेल्ट है, जूते है, सनग्लासेस है, रिस्ट वॉचेस है, शर्ट्स है, उसके तरह ही एकदम एलिगेंट बॉटल है उनकी तरह। तो 10/10 फॉर दिस बॉटल डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं इसके मेन जूस के बारे में। ज़बरदस्त है ये। इसमें जो टॉप नोट है उसमें फ्लोरल और सिट्रस का यूज़ किया है, मतलब जैस्मिन है इसमें और साथ ही साथ इसके साथ इन्होंने यूज़ किया है मेरे ख्याल से सिट्रसेस नोट है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है ये कौन सा नोट है। मैंड्रिन ऑरेंज, नहीं मैंड्रिन ऑरेंज इन्होंने बेस मिडिल नोट में यूज़ किया, अफ्रीकन मैंड्रिन ऑरेंज। और जो इनके नोट्स है बाकी के ड्राई डाउन के, मतलब बेस नोट है इसमें पचोली है, फिर वेटिवर है और सीधर है। तो आप यहाँ से आप पता कर सकते हो कि बहुत कम नोट्स यूज़ करके मिस्टर जैक्स ने जो परफ्यूम को डिज़ाइन किया है वो ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उभर के आएंगे, मतलब ये स्वीट भी लगेगा आपको, सम टाइम आपको ये स्पाइसी भी लगेगा, सम टाइम आपको फ्लोरल लगेगा, अरोमेटिक भी लगेगा, ये आपको वुडी भी लगेगा। तो ये जो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, बहुत कम नोट्स यूज़ करके इतने कैरेक्टर्स लाने वाले बहुत कम परफ्यूमर और डिज़ाइनर इस दुनिया में है।
तो उनमें से एक जैक्स है और उन्होंने अच्छा काम किया आला दर्जे का। और इन्होंने गुची का जो ब्रांडिंग है या गुची का जो एक फ्रेम है, मतलब एक मतलब दुनिया उसको जो नज़र से दिखती है एलिगेंटनेस में, वो बरकरार रखा है उन्होंने इस परफ्यूम। इसकी परफ्यूम की जो खुशबू है आपको फर्स्ट आधे घंटे या डेढ़ घंटे तक आपको फ्लोरल सिट्रस ही मिलेगी। उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो प्रोजेक्शन आपको कम से कम डेढ़ से दो फीट मिलेगा और डेढ़ से दो घंटे वो चलेगा, मतलब ये मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के बीच में। उसके बाद कम से कम चार साढ़े चार घंटा या पाँच घंटा पकड़ लो, ये क्लोज टू स्किन हो जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस आपको मिलती रहेगी। तो ये कुल मिला के स्किन के ऊपर छः से साढ़े छः घंटे या सात घंटे तक ये परफ्यूम टिकता है इंडियन वेदर में। उसके बाद मतलब आप इसको क्लोथ्स के ऊपर भी स्प्रे करते हो तो नौ घंटे तक ये आराम से निकाल लेता है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उसमें लॉन्जिटिविटी हो गई, प्लस साथ में साथ इसका सीआर भी हो गया। पहले दो घंटे के बाद जो प्रोजेक्शन जो मिलता है उसके बाद जो सीआर बनता है इसका, वो सीआर काफ़ी मिस्टीरियस है। मतलब आपको कभी कभी क्लोज टू स्किन भी लगेगा या सामने वाले को लगेगा कि इन्होंने अच्छा परफ्यूम लगाया। मतलब बीच बीच में प्रोजेक्शन इसका बढ़ता भी है और कम भी होता है। मतलब सीआर जैसे आप मूव करोगे तो ये बबल जो क्रिएट होगा वो आपके इर्द गिर्द क्रिएट होगा। और उसमें जो बेस नोट है, सॉरी मिडल नोट है अफ्रीकन ऑरेंज का, वो ज़्यादा उभर कर आता है बीच बीच में और यही यहाँ पे इनका ट्विक करता है। ये जो ट्विकनेस है, ये जो ट्विक करता है कि मतलब एयर में ये आपको बीच बीच में महसूस करते रहेगा, लिंगर होते रहेगा और एयर के साथ ये कुछ अलग मैजिक करता है। अभी पिछले एक वीडियो में मतलब यहाँ पे एक टॉपिक निकला है जो मुझे याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था पाकुरोबांग का इन्विक्टस, उसमें मैंने बताया था कि पाकुरोबांग का इन्विक्टस रेनी सीजन में, खास करके मानसून में, जो मौजूदा एयर की क्वालिटी है, मतलब जो सोंधापन है, गीलापन है, उसके साथ मिलके कुछ ना कुछ मैजिक करता है। वैसे ही ये सेम परफ्यूम कुछ मिस्टीरियस मैजिक करता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली अनुमन जो स्वीट परफ्यूम रहते हैं, मतलब स्वीट नोट्स रहते हैं, वेनिला जैसे, चॉकलेट्स जैसे, ये बहुत बार विंटर सीजन में काफ़ी उभर कर आते हैं, बट इसमें जो वेनिला है वो समर सीज़न में मुझे ज़्यादा महसूस हुआ। और अभी जो मानसून चल रहा है उसमें इसके जो फ्लोरल और एरोमेटिक नोट्स हैं वो ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। मतलब ये परफ्यूम की क्वालिटी आप यहाँ से ही पता लगा सकते हो, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी का परफ्यूम है ये। ये मौजूदा एयर जो है, मतलब जो मौजूदा मौसम है, उसके एयर के साथ ये खेलता है और ज़बरदस्त टिक करता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, मैं बताने वाली चीज़ें नहीं हूँ, आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि परफ्यूमरी एक ज़बरदस्त आर्ट है और इसमें जितना आप सोचोगे, जितना महसूस कर पाओगे, उतना आपको समझते जाएगा। तो आप इस परफ्यूम का कोई भी डिकेंट खरीदो, कहाँ से भी, स्प्लैश फ्रेगनेंस हो गए, स्मेल जोन हो गए, वहाँ से आप डिकेंट खरीदो और इसको महसूस करो, तब आपको इस परफ्यूम क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा पाओगे। फिर इसके परफॉर्मेंस को मैं मार्क्स दूंगा कम से कम साढ़े सात से आठ के बीच में, क्योंकि इसका जो मैंने प्रोजेक्शन या सियाज या लॉन्जिटिविटी बताई वो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के बीच में। फिर हम इसके एडमाइजर को देखते हैं। एडमाइजर इसका काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त प्रो है, ज़बरदस्त लॉन्ग एडमाइजर है, एक स्प्रे में ज़्यादा कवर एरिया कवर करता है, तो इसका मिस्ट भी ज़्यादा निकलता है। तो आपको कम से कम इंडियन वेदर में इसके पाँच या छः स्प्रे आप एक बार लगा सकते हो। अगर आपको रीअप्लाई करना है तो रीअप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फील्ड ऑफ वर्क रहेगा किस हिसाब से, आपको ऑफिस वर्क ज़्यादा है, बैक ऑफिस में आप काम कर रहे हो या आप फील्ड पे ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग इसके वर्सेटिलिटी के बारे में बात करें तो इसके ओकेजन के ऊपर ध्यान दें तो लाइफ अपना जो फैमिली गैदरिंग हो गया या नाइट इवेंट्स हो गए, जैसे डेट्स या मीटिंग्स नाइट में जो रहती है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फील्ड वर्क जिनका है उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, जिनका ऑफिस वर्क है ऑफिस वर्क वालों को कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एयर कंडीशन में ये ज़्यादा उभर कर आता है परफ्यूम, और आपको कॉम्प्लीमेंट भर भर के मिलेंगे क्योंकि इसमें अरोमेटिक और फ्लोरल नोट्स ज़्यादा है। और मैं जब फ्लोरल नोट्स कहता हूँ, एरोमेटिक नोट्स कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये थोड़ा लेडीज़ टाइप परफ्यूम लगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये परफ्यूम
मर्दों के स्किन के ऊपर ज़बरदस्त काम करता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है और इसकी मस्कुलिनिटी और वुडीनेस बरकरार रखता है। तो आप ये मत सोचो कि ये फ्लोरल नोट्स हैं इसमें, इसके वजह से ये आपको लेडीज़ परफ्यूम लगे, नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये ज़बरदस्त काम करता है। तो वर्सेटिलिटी में भी इसको मैं 7.5 में से 8 मार्क्स दूंगा 10 में से। तो ये मिला जुला के ये एक ज़बरदस्त परफ्यूम है। इसकी सबसे खास बात ये है कि जब ये क्लोज टू स्किन होता है उसके बावजूद भी ये एक एडिक्टिव परफ्यूम है। इसकी जो खुशबू है, इसकी महक है, इसका फ्रेगनेंस हमेशा आपको एडिक्टिव रखेगा। अगर आपको उसका एडिक्शन हो गया तो आप ये परफ्यूम नहीं छोड़ोगे और ये आपका सिग्नेचर परफ्यूम बन सकता है। तो अगर आपको सिग्नेचर परफ्यूम इसको बनाना है तो पहले आपको इसके नोट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, एक बार दो तीन बार आपको ट्राई करना होगा। अगर आपको ये परफ्यूम आ गया तो परफ्यूम ये पसंद आपको पसंद आ गया तो ये परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हो। मैं यही राय दूंगा, ब्लाइंड बाय मत करो, पहले खुद इसके ऊपर आप ट्राई करो और उसके बाद ही सीखोगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लग रहा है, परफ्यूम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इतने ही हार्डवर्क से ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूँ। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करो। धन्यवाद।